उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसा नहीं है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं के बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। अगर आप रिजल्ट देखें तो 80% बच्चे ऐसे हैं जो निम्न वर्ग से आते हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला है या कोई मजदूर वर्ग का आदमी है, अगर आप उसके बच्चे को देखोगे तो वो विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए भी प्रोग्रेस कर रहा है, रिजल्ट उनका 100% जाता है, जबकि जो जिनको सारी सुविधाएँ मिल रही है वो बच्चे उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत डिसीजन लगता है मुझे, क्योंकि जो पहले था कि बच्चे फेल या पास हो रहे थे तो एक बच्चे में डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे, इस वजह से वो पढ़ाई करता है। अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है तो बच्चा सोचता है ठीक है पास तो हम होंगे, तो उस चीज़ का बहुत बैड इफेक्ट पड़ा है। इससे बच्चों की नज़र में आज टीचर का सम्मान खत्म हो चुका है, क्योंकि बच्चा अब उस बच्चे की थिंकिंग बन चुकी है कि टीचर हमें कुछ मारेंगे ही नहीं, शिकायत कर सकते हैं हम, उन्होंने मीडिया का सहारा भी लेते हैं, आगे कंप्लेंट कर देते हैं, तो एक उनके अंदर इस तरीके का आ गया है कि हम आगे से अगर टीचर हमें कोई मारता है तो हम शिकायत कर देंगे, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाने लगे हैं और इससे उनकी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कोचिंग में पढ़ाना चाहता है क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, इसलिए कोचिंग में पढ़ाना चाहता है, बाकी ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट टीचर है तो बच्चों को वो इतनी सैलरी उनको अच्छे से मिल रही है कि वो स्कूल में पढ़ाएं, उन गवर्नमेंट जो निम्न वर्ग के बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में ही आते हैं, अगर वो चाहे तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है कोचिंग वगैरह क्लासेस में, क्योंकि उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है प्राइवेट स्कूल में, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी सैलरी मिलती है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत है कि स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है वो सफिशियंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक पेरेंट्स की भी थिंकिंग बन गई है और कोचिंग क्लास वालों ने भी इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया है कि आप कोचिंग में पढ़ाइए स्कूल में नहीं, और स्कूल में तो केवल एक नॉमिनेशन चलता है बच्चे का कि ठीक है वो स्कूल में पढ़ रहा है, बाकी एक्स्ट्रा क्लास के अदर एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी करवा लेते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल प्रयास करेंगे, बच्चे तभी तो सीखेंगे कि क्या बेनिफिट्स है एजुकेशन के। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ कि वाकई ऐसा बच्चों को शिक्षा के लिए करना भी चाहिए।